दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कांवरिया पथ से एक और नए नज़ारे के साथ। तो दोस्तों, आज हम दिखाते हैं कांवरिया पथ का न्यू अपडेट किस प्रकार है। और जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर था जमुई कांवरिया सेवा शिविर। दोस्तों, धर्मशाला अभी भी है, लेकिन सावन के महीने में दोस्तों यहाँ पर कांवरियों से ज़्यादा भीड़ था दर्शकों का, और देखने वाले काफ़ी ज़्यादा थे और सेवा करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ से देख रहे दोस्तों, साइड में नहर और कांवरिया पथ है। दोस्तों, हम आपको अपडेट देते जाएंगे। और यहाँ से जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कांवरिया आ रहे हैं, तो दोस्तों हर हर महादेव एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं दोनों साइड की जो दुकानें हैं दोस्तों, बिल्कुल सुनसान है, खोल लिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये इलाका जो है तिलवरिया कहा जाता है, और यहाँ से आगे अगर बढ़ेंगे तो शिवलोक मिलेगा। और दोस्तों देख रहे हैं लगातार कांवरिया पथ का स्थिति किस प्रकार है। और कांवरिया दोस्तों कभी कभी मिलते हैं एक दो की संख्या में। और यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ हमने आपको दिखाया था सावन के महीने में भीड़ काफ़ी ज़्यादा था और दुकानें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों दोनों तरफ दुकानें थी। लेकिन अभी देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सुनसान है, और कांवरिया कभी कभी नज़र आ रहे हैं जैसे कि हमने दिखाया आपको वीडियो में। तो दोस्तों हम बढ़ते जा रहे हैं, और सामने दोस्तों इलाका जो है शिवलोक का दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखिए किस प्रकार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सुनसान, और सभी पेड़ पौधे की पत्तियाँ भी झड़ चुकी है। और देख रहे हैं लगातार, अब हम सामने दिखा रहे हैं आपको शिवलोक का, देख रहे हैं रेन वाटर शेल्टर कांवरियों का, यहाँ पर अति उत्तम सुविधा उपलब्ध होता है और अभी भी उपलब्ध है। और देख रहे हैं लगातार कांवरिया पथ पर बढ़ते जा रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं नए नज़ारे और नए अपडेट। दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार है, और पहुंच चुके हैं हम शिवलोक के आसपास के इलाके में, और सामने शिवलोक है और रेन वाटर शेल्टर के पास भी पहुँच चुके हैं। और यहीं से दोस्तों हाईवे जाती है बांका की ओर, अपने ज़िले बांका की ओर, और जो कि बिल्कुल सामने है। और यहां से थोड़ी दूर पर मिल जाएंगे देखने को, और देख रहे हैं लोकल ग्रामीणों का आना जाना इसी कांवरिया पथ से होता है। और यहां की भी सभी दुकानें खोल लिया गया है। और दोस्तों कई सभी भाइयों का फ़ोन आता है, कॉल आता है, कमेंट आता है, करते हैं, पूछे जाते हैं कि कांवरिया पथ पे दुकान मिलेंगे या नहीं रहने खाने बैठने का। यहां पे भी देखिए दोस्तों कांवरिया अब तैयार हो रहे हैं कांवर लेकर के। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ग्रामीण इलाका है तो ऐसे ही इलाकों में खाने पीने रुकने रहने का व्यवस्था अभी भी उपलब्ध है। और यही वो मेन रोड दोस्तों बांका की ओर जाता है। और देखिए सामने शिवलोक का देखिए धर्मशाला है दोस्तों, यही है कांवरिया धर्मशाला शिवलोक का। और यहाँ देख पा रहे हैं मंदिर भी है एक साइड में, और यहाँ देखिए ये शिवलोक अतिथि आश्रम दोस्तों यहीं पर है। और आगे का अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में यहाँ तक का ही अपडेट रहेगा दोस्तों, फिर हम आपको देखते हैं अगला अपडेट कहाँ तक का दिखाएँगे, तो जल्द ही आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।